A very good morning to all. Myself Trivedi Parth, and for student 9th today, in video lecture, I will represent the subject computer, and we will see about the first quarter topic. The first one will be the types of software. The second one will be the number system, and the third one will be the programming language. So, three units we have to study for the first quarter. Let's see about the first unit, which is the type of software. कंप्यूटर के पास दो कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर है वो फिजिकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के दिखाता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एग्जांपल है फ्लॉपी डिस्क है, सीपीयू, मॉनिटर, माउस, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा. सॉफ्टवेयर वो एक ऐसी कंसेप्चुअल एंटिटी है कि जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं एज पर हमारी नीड एंड रिक्वायरमेंट. जब पावर सप्लाई कंप्यूटर को करते हैं तो जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो उनकी मदद से क्या करते हैं, तो कि सॉफ्टवेयर चलाने में हमारी मदद करते हैं. कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए एक सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है, जो है ऑपरेटिंग सिस्टम. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर है वो काम नहीं कर सकता. वे जब हार्डवेयर डिवाइस ऐड होता है तो उसके लिए ड्राइवर्स लगते हैं. वो एक टाइप का स्पेशल सॉफ्टवेयर है कि वो एफिशिएंटली वर्क करने में मदद करता है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. दोनों में से अगर एक भी कंपोनेंट ना हो तो हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता है. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है वो सिक्के के दो साइड जैसे होते हैं, वैसे ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के दो साइड्स है. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर मतलब क्या? सॉफ्टवेयर मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम जो डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे, उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोग्राम. सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कलेक्शन है अलग अलग प्रोग्राम्स का, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, तो कि अपनी जो रिक्वायरमेंट्स और नीड्स है वो टाइम टू टाइम पूरी करते हैं. और हम जो सारे के सारे प्रोग्राम्स लिखते हैं वो रोम या तो फिर डिस्क के अंदर जो सारा का सारा स्टोरेज है वो कंप्लीट होता है. अब जैसे कि देख सकते हैं कि एक टेबल दिया गया हुआ है जिसके अंदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दिए हैं. फर्स्ट वन है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड वन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के सब टाइप में देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, सिस्टम यूटिलिटी. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर देखें तो रेडीमेड और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम का कंट्रोल करता है और इंटरनल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसकी भी देखरेख करता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट एक्ट्स लाइक ए कंडक्टर इन एन ऑर्केस्ट्रा. इट डायरेक्ट्स ऑल द एक्टिविटीज एंड सेट द रूल्स हाउ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैव टू वर्क. सिस्टम सॉफ्टवेयर टोटली मैनेजमेंट बेस्ड काम करता है कि जो जो चीज़ें हैं वो किस तरह से और कितनी एक्यूरेसी से काम करेगा. मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ें सपोर्ट करता है, तो के अदर सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से अच्छी तरह परफॉर्मेंस दे उसके रनिंग के बारे में. और एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस हार्डवेयर रिसोर्स, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा वगैरह वगैरह अच्छी तरह से काम करते हैं या नहीं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर की जिनकी मदद से हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट होता है और प्रॉपरली वर्क करके रन करता है. जो हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो आवश्यक है. हम जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, एक्सपी, प्रोफेशनल, उबंटू वो सब लिखा हुआ आता है. तो वो जो सारी लिखावट है वो क्या है, वो वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम है कि जो हमें हमारा काम करने के लिए, हमारे कंप्यूटर स्टार्ट करने में मदद करता है और पूरी तरह से वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना चलानी बहुत ही नामुमकिन है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐसी सॉफ्टवेयर की जो यूज़र की नीड के मुताबिक, एज पर यूज़र नीड एंड रिक्वायरमेंट और उन्हें जो रिजल्ट चाहिए उसके मुताबिक जो सॉफ्टवेयर बनाए गए वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है पैकेज. पैकेज इसीलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल होती है. एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन बी रिटन यूजिंग पैकेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इज सेड टू बी यूजर रिटन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. मेनली जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उस वो फर्दर दो डिवीजन के अंदर कैटेगराइज किया गया है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. रेडीमेड सॉफ्टवेयर मतलब कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो पहले से इनबिल्ट, कंप्यूटर जब हम खरीदते हैं तब उसके अंदर पहले से ही वो इंस्टॉल होता है, ना कि हमें वो खरीदना पड़ता है या तो फिर प्ले स्टोर में से पीसी में डाउनलोड करना पड़ता है. तो उसके अंदर फर्स्ट वन है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर.
तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है जो लिखने के अंदर हमें काम आते हैं। लिखावट मतलब कि टेक्स्ट है, अल्फाबेट्स, नंबर्स, एलोंग विथ दैट पैराग्राफ्स, लेटर्स, मैसेजेस, शॉर्ट स्टोरीज, एसेस एक्सेट्रा। और वर्ड प्रोसेसर की मदद से हमारी जो लिखावट है वो एक्यूरेट कैसे बनती है, तो इसके अंदर स्पेशलिटी फीचर्स एक ऐसा है कि मैन्युअली अगर हम लिखें तो एरर होने के चांसेस या तो फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है उसके अंदर एरर के चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली इसके अंदर अगर कहीं पर भी वर्ड में या तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है तो वो अपने आप है वो रेक्टिफाई हो जाती है। एडोब फ्लैश जो है वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। स्टेनबर्ग न्यूनेडो जो एक साउंड एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट है वो भी, उसमें जो एनिमेशन है वो भी ये स्टेनबर्ग न्यूनेडो का यूज़ करता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के दौर पर। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या, तो जो लिखावट और ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के अंदर आ जाता है इमेज, ऑडियो, वीडियो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा आइडिया या तो फिर कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट सही तरह से और स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन मेनली इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स बनाने के लिए या तो फिर कोई प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेशन या तो फिर ऑनलाइन एजुकेशंस के लिए, सर्वे लेक्चर्स, नोट्स बनाने के लिए, एट्रैक्टिव मैनर के अंदर साउंड फाइल्स, वीडियोस, टेक्स्ट, इमेजेस, ताकि जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ जाए, उसके लिए जो ये एट्रैक्टिव चीज़ें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पर की जाती है उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। लोटस फ्रीलांस ग्राफिक एंड ओपन ऑफिस इम्प्रेस, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये दो जो है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कलेक्टिवली सारे का सारा जो डेटा है वो कलेक्ट करके एक ही फाइल या तो फिर एक ही एप्लीकेशन के अंदर स्टोर करता है। उसका एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन एमएस एक्सेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो टोटली जो डेटा है पर्सनल, प्रोफेशनल एलोंग विथ सीक्रेट, सारे के सारे जो डेटा है वो एक कॉमन सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट किए जाते हैं ताकि मैनुअल वर्क है वो कम हो जाता है और चांसेस ऑफ एरर भी कम हो जाती है। फिर थेफ्ट या तो फिर सिक्योरिटी पर्पस भी बढ़ जाता है। अगर मैन्युअली जो फाइल्स हम रखते हैं आगे जाके ऐसा हो सकता है कि फाइल जो है वो गुम हो जाती है, पर डीबीएमएस का यूज़ करके अगर हमने स्टोरेज किया होगा तो वो जो है वो लाइफ लॉन्ग तक उसे के अंदर सेव होगा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो कोई भी इंडस्ट्रीज या तो फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो यूज़ करता है। उसके बाद नेक्स्ट होना इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एनालाइजिंग के लिए, कैलकुलेशंस के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ होता है। मेनली स्प्रेडशीट क्या है, तो कि एक शीट ऑफ पेपर को अलग अलग कॉलम और रो के अंदर डिवाइड किया है ताकि हम एक से ज़्यादा जो डेटा है वो पर्टिकुलर एक ही शीट के अंदर ड्रॉ कर लिख कर स्टोर कर सकते हैं। जब स्प्रेडशीट तैयार होती है तो उसके अंदर कंप्लीट डेटा कोई एक चीज़ का है वो उसमें इनपुट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर देखें कि कोई इंडस्ट्री है तो वो उसका सैलरी चार्ट या तो फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल ले तो रिजल्ट शीट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है, सैलरी बिल्स है, सैलरी चार्ट है वगैरह वगैरह। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का दूसरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो हम डे टू डे लाइफ में कई तरह से यूज़ करते। नाउ डेज दे आर यूज टू प्रिपेयर बजट, फॉरकास्ट, फ्यूचर सेल रिजल्ट्स एक्सेट्रा। स्प्रेडशीट है वो स्टेटिस्टिकल और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के अंदर भी यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के एग्जांपल देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, फिर क्वाट्रो प्रो है, लोटस 1-2-3। तो स्प्रेडशीट है वो बेसिक कैलकुलेशंस करने के लिए और बेसिक कोई भी चार्ट प्रिपेयर करने के लिए एक जरिया है। उसके बाद आता है ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इट इज ट्रू दैट इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन पिक्चोरियल फॉर्म 100 टाइम्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड। ये हम सबको पता है कि कोई एक टॉपिक है उसके बारे में सिर्फ लिखावटी होगी तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, पर वही टॉपिक के अंदर अगर इमेज हो, वीडियोस हो, साउंड्स हो या तो फिर एट्रैक्टिव एडिटिंग करके अगर वो टॉपिक रिप्रेजेंट किया जाए तो वो
एक तरह से हमें मज़ा भी आता है और आसानी से हम उसे समझ भी लेते हैं। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं ग्राफिक मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। उसका एग्जांपल है एडोब फोटो, जिसके अंदर हम लोग चार्ट्स बनाते हैं या तो फिर ओरिजिनल इमेज को थोड़ी बहुत एडिटिंग देकर हम क्या करते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो इसीलिए ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर है वो कोई भी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाकर दुनिया के सामने या तो पर्सनल यूज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मतलब टेलरमेड सॉफ्टवेयर या तो फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पेशलाइज कैटेगरीज के लिए ही बनाया गया है। और रेडीमेड सॉफ्टवेयर के जैसे हर कंप्यूटर के अंदर ये पहले से इंस्टॉल नहीं होता, बट जब हम को इसकी ज़रूरत पड़ती है तब हम इसे विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मीन्स या तो फिर परचेस करके ये जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करते हैं। इसीलिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को टेलर मेड या तो बेस्पोक सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट वन आता है अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर कि जो अकाउंट्स रिलेटेड, बिल्स रिलेटेड, सेलिंग, परचेजिंग, प्रॉफिट लॉस के ऊपर ध्यान देता है और उस चीज़ के बारे में सारा का सारा जो डेटा है वो बनाकर देता है। मेनली टेली टेली जो एप्लीकेशन है वो अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसके अंदर कोई कंपनी है वो पूरे साल के दौरान कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया है, कितना सेल्स हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, उस प्रकार से जो डिस्पैच का बिल है, प्रोडक्ट का बिल है, वो सारे जो बिल्स और फॉर देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल यूज़ जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका नाम है टेली। और वो टेली जो सॉफ्टवेयर है वो कहलाता है अकाउंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। उसके बाद है एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो पूरे के पूरे स्टाफ की जो डिटेल्स है, जो कोई एक कंपनी में या तो फिर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते हैं उसका शेड्यूलिंग पीरियड और उसके कंट्रोल पीरियड के बारे में अगर जानकारी रखनी है तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो है एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल देखें तो एम्प्लॉय की अटेंडेंस, एम्प्लॉयज पर्सनल डिटेल्स, प्रोफेशनल डिटेल्स, स्टार्टिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी चार्ट एक्सेट्रा, टाइम ऑफ कमिंग, टाइम ऑफ गोइंग, टाइम ऑफ एब्सेंटी, तो वगैरह वगैरह, एम्प्लॉय की स्टार्टिंग फ्रॉम प्यून टिल द चेयरमैन, तो पूरे के पूरे एम्प्लॉय की जो डिटेल्स और उनकी माइन्यूट मूवमेंट्स काम के दौरान होती है वो सारी रिकॉर्ड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो है एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर कि जो यूजर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज होता है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जीडीएस मतलब कि रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर काम क्या करते हैं, तो हम लोग कई बार बाहर जाते हैं तो उसके लिए हम पहले से ही रिजर्व करवा लेते हैं अपनी सीट्स ताकि जर्नी के टाइम पर हमें कोई दिक्कत ना आए। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर कि जो यूज़र को फ्लेक्सिबिलिटी और एडवांटेज प्रोवाइड करे वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। बाय द वे ऑफ मी कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से रिजर्वेशन सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो वेरी होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इफ़ वी ट्रैवल बाय एयर देन द सॉफ्टवेयर्स आर एयर इंडिया, स्पाइस जेट एक्सेट्रा, बट इफ़ वी ट्रैवल बाय द स्टेट गवर्नमेंट बसेस तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होगा वो होगा जीएसआरटीसी, एंड इफ़ वी आर ट्रैवलिंग बाय द मीन्स ऑफ ट्रेन्स तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होगा वो है आईआरसीटीसी। इसीलिए यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक द वे ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उस तरह से रिजर्वेशन का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो वेरी होता है। उसके बाद आता है कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स बेचे हैं वो कहाँ से कहाँ और कितना जो उसका सेलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑर्डर कितना था, रिसीव कितना किया, तो कंप्लीटली बिजनेस आजकल के बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर टोटल इन्वेंट्री मतलब कि हमारे जो यूनिट है उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो स्टॉक चेक करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। मेनली स्मॉल बिजनेस, कन्वीनियंस स्टोर, शू स्टोर, नर्सरीज, परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम माइट कंस्टिट्यूट वेस्टफुल यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम से क्या पता चलता है कि स्टॉक के बारे में जानकारी रहती है और जो बिना फिजूल के खर्च अगर इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का डेटा नहीं होगा तो क्या होगा कि ज़रूरत के बिना के जो खर्च है वो बढ़ जाएंगे। इसीलिए जो इंडस्ट्रीज है
छोटे छोटे स्टोर्स है वो क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज के लिए सारे का सारा जो डेटा है वो स्टोर करके रखते हैं। तो वो जो डेटा है वो कहलाता है कंप्यूटराइज्ड इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम।